HRTC बसों में प्रत्येक यात्री के साथ 30 किलोग्राम वजन तक के व्यक्तिगत और घरेलू सामान या किसी भी आकार के दो बैग सामान बॉक्स के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं है और यह पहले की तरह ही जारी है। यह जानकारी HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को किया गया संशोधन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम, सूखे फल, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों वाले बैग सामान बॉक्स के लिए पहले से जारी लगेज पॉलिसी के क्रम संख्या 26 के संबंध में है। इन वस्तुओं पर पहले ऊंची किराया दरें लगती थी, लेकिन अब इस संशोधन के बाद इन वस्तुओं के संबंध में किराया दरें 75% तक कम हो गई हैं। 15 अक्टूबर के संशोधन में दर्शाया गया बैग सामान बॉक्स केवल वाणिज्य वस्तुओं के लिए है, व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुओं के लिए नहीं। उपरोक्त वाणिज्य वस्तुओं के लिए पहले 40 किलोग्राम वजन तक बैग सामान बॉक्स के लिए बिना यात्री के एक यात्री किराया लिया जाता था, जिसे अब किराया शुल्क कम करने के लिए स्लैब में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए बिना यात्री के 4 किलोग्राम वजन वाले इन वाणिज्य वस्तुओं वाले डिब्बे के लिए एक यात्री किराया लिया जाता था और यात्री के साथ यात्री किराया का आधा शुल्क लगता था। अब इस संशोधन के बाद इसे घटाकर यात्री किराया का 1/4 कर दिया गया। इससे साफ है कि HRTC ने इन वाणिज्यिक वस्तुओं का किराया कम कर दिया है। व्यक्तिगत वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं, सेब का डिब्बा, स्कूल बैग, महिलाओं का पर्स, लैपटॉप, फल और सब्जियों के डिब्बे, फूलों के डिब्बे, समाचार पत्रों एवं अन्य सामग्री ले जाने के किराए में कोई बदलाव नहीं है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।